Ji, my name is Amir Hamza. I'm doing software engineering from SEEKS, NUST age 12. मैं 2019 बैच का स्टूडेंट हूँ और that's my introduction about the university. अच्छा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परसू करना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा आमिर हमजा, मुझे ये बताएं कि आपके मैट्रिक एफएससी में कितने थे? मेरे मैट्रिक में थे 1029 आउट ऑफ 1100 और एफएससी में 981 आउट ऑफ 1100 ऑफ कोर्स. ठीक है, माशाल्लाह. और आपने एनईटी कितने दिए थे? एनईटी मैंने तीनों दिए थे बिकॉज कमिंग टू नस्ट वाज माय ड्रीम. इट वाज एन ओल्ड ड्रीम, तो मैं कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता था अपना. ठीक है, तो क्या स्कोर थे आपके? हाँ, फर्स्ट जो एनईटी था उसमें मेरे 128 थे, सेकंड में 133 एंड लास्ट वन में 148. ठीक है, तो शुरू से ही सोचा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है? हाँ, सोचा मैंने शुरू से ही हुआ था और ये भी सोचा हुआ था कि जाना है तो बस नर्सरी जाना है. इट वाज अ क्रेज एंड ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता मेरा ना भी होता तो मैंने एंट्रेंस के बाद बुक्स रखी हुई थी अपनी के अगर ना हुआ तो नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई अगेन, लेकिन जाना ज़रूर है. ठीक है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन के बारे में तो बच्चों को खासा अंदाज़ा हो गया है, तो अभी हम आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों चूज़ की? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ की थी बिकॉज आई लव कंप्यूटर्स. मेरा ये था कि लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरे चारों तरफ कंप्यूटर्स हों एंड आई एम वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, तो इसलिए मैं चाहता ये था बेसिकली. मतलब आपको फील्ड लाइफ पसंद थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में आपने फास्ट भी आपके पास एक ऑप्शन था, तो नस्ट क्यों? नस्ट जाने की 2-3 बेसिकली रीजंस थी. एक तो ये था कि मेरे क्लोज रिलेटिव्स थे वो भी नस्ट के ग्रेजुएट थे और एक दफ़ा मैं उनको मिलने गया था एंड व्हेन आई सॉ द कैंपस मैंने कहा आना तो बस इधर ही आना है. उसके अलावा ये था कि फास्ट का ये भी सुना हुआ था कि वो कैंपस लाइफ आई मीन जो वो स्टडी का शेड्यूल है इट्स क्वाइट टफ और पास वगैरह होना बहुत मुश्किल है और आफ्टर ऑल नस्ट इज़ द बेस्ट इन पाकिस्तान, तो फिर आई ट्राइड फॉर द बेस्ट. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के सब्जेक्ट्स वगैरह बता दें कि आपने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में क्या पढ़े हैं, जो कि ऑब्वियसली सेम ही होते हैं तमाम इंजीनियरिंग के, मगर फिर भी आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आप क्या चीज़ पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. हाँ, बेसिकली वही बात होगी ना, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स काइंड ऑफ सेम सारों के लिए. तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो फील्ड से रिलेटेड था वो एक कोर्स था प्रोग्रामिंग का. पहले सेमेस्टर में था फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग और दूसरे में था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड बाकी जो थे वो ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं. ठीक है, तो एक बड़ा हॉट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंस बता दें प्लीज. हाँ, डिफरेंस जो मेन डिफरेंस होता है वो यही है ना कि एट द एंड ऑफ द डिग्री आफ्टर 4 years आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो आप एक इंजीनियर बनकर निकलेंगे. लाइक जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वो आपको रिकग्नाइज करती है एज एन इंजीनियर और जो बीएससी है इट्स जस्ट अ रेगुलर बैचलर्स डिग्री. तो आप ये मुझे बताएं कि एक मिथ है कि नस्ट का जो कोर्स है वो काफ़ी आउटडेटेड है, तो कितनी हद तक आप एग्री करते हैं सीएस और एससी की फील्ड में? सीएस के बारे में तो आई कैंट से मच, लेकिन कहा भी जा सकता है. लेकिन जो अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हम पढ़े हैं उसमें अगर लैंग्वेजेस को देखा जाए तो पाइथन हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ी और पाइथन जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स में आ रही है इस वक्त थ्रू आउट द ग्लोब, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए सिर्फ प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से तो फिर तो आउटडेटेड नहीं कहा जा सकता उसको. और जो बाकी भी कोर्सेज हैं आई डोंट थिंक दे आर आउटडेटेड, लेकिन इफ समवन नोज बेटर देन मी तो वो बता सकता है, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट थिंक कि वो आउटडेटेड हैं. तो या जो स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और किसी और फील्ड में, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ देखनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर में वो आ जाए? जो मैंने चीज़ देखी थी बेसिकली मैंने एक वो रिलेटिव उनसे गाइडेंस भी ली थी इज ऑल्सो इन दिस फील्ड, तो उन्होंने जो मुझे बात कही थी वो यही थी बेसिकली कि एक इंजीनियर बन के निकलने में और एक सादा बैचलर्स डिग्री में फ़र्क होता है इन व्हेन यू कम इन द मार्केट, तो मैंने इसलिए चूज़ की थी. और अगर आफ्टर ऑल देखा भी जाए तो ज़्यादा कोर्सेज का फ़र्क नहीं होता, बस कुछ चंद कोर्सेज होते हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए यू नो देयर आर रिक्वायरमेंट, जैसे वो एक वर्कशॉप होती है सेकंड सेमेस्टर में. हाँ, वो आप लोगों के किसी काम की नहीं है मगर फिर भी आप लोग लगे होते हैं थोड़े लेकर. हाँ, लेकिन वो आई गेस इट वाज फन क्योंकि शुरू से सुना था कि यार वो फजूल में टाइम ज़ाया होता है. नो डाउट टाइम ज़ाया होता है लेकिन इट्स फन और कुछ ना कुछ तो बंदा सीख के निकलता ही है वहाँ से. हाँ बिल्कुल, वो लोग ग्रेड्स भी नहीं देते. खैर मुझे तो अच्छे दे दिए थे। और कैंपस लाइफ के बारे में बताएं। कैंपस लाइफ के बारे में बताएं। कैंपस लाइफ इज ऑसम। कैंपस लाइफ की वही, बल्कि क्वारंटीन में लॉकडाउन में वही याद आती है सिर्फ। तो आपने कोई सोसाइटीज वगैरह तो आई गेस नहीं ज्वाइन की हुई, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कैंपस लाइफ अच्छी है? नहीं, अब आप ये देख लें, अगर नहीं ज्वाइन की हुई फिर भी इतनी, अगर मेरे लिए वो अच्छी है कैंपस लाइफ। जिन्होंने ज्वाइन की होगी उनके तो और मजे होंगे ना। हॉस्टलाइट हैं आप या डे स्कॉलर हैं? हाँ, मैं हॉस्टलाइट हूँ। ठीक है, फिर हॉस्टलाइट्स को तो वैसे ही पसंद आती है। हम डे स्कॉलर्स के लिए तो किसी तौर पे वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर फंक्शन में हम लोग नहीं जा सकते। अच्छा, अभी जो आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम मिल गया बच्चों को एनईटी की प्रिपरेशन कर, तो आपको क्या लगता है मेरिट हाई होगा या लो होगा? टेक्निकली मेरिट हाई तो जाना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो टेस्ट है एनईटी वो इतना उसका डिफिकल्टी लेवल हाई वो करते हैं कि मेरिट जो है स्टिल विल स्टे एट इट्स प्लेस, ये भी हो सकता है। आप अपनी क्लास में बताएं कि सबसे लो मेरिट के स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे लास्ट ईयर? हाँ, एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं पता, लेकिन आई गेस 700 मेरिट नंबर तक हैं स्टूडेंट ना। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है सो 700 मेरिट पोजीशन आई गेस ये तो काफ़ी हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आपके पास आता है, इलेक्ट्रिकल में आपके पास मेरिट 1000 के बाद ही क्लोज होता है, मगर ये 700 एक अलावा सिचुएशन है। मगर फिर भी आपके पास दो सेक्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर के, और सॉफ्टवेयर का मेरिट कॉन्स्टेंटली हाई हो रहा है हाँ। तो सेकंड पोजीशन पर है इस वक्त तो, बल्कि हाँ सेकंड भी है। एक तो इनकी सीट्स भी कम है, सीट सबसे कम है आई गेस, IGIS के बाद इन्हीं की सीट्स कम है, दो सेक्शंस हैं। अच्छा, उसके बाद आप कोई गाइड देना चाहें बच्चों को? गाइडेंस जो है, मतलब मेरे से भी काफ़ी लड़कों ने भी पूछा है ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से जो गाइडेंस एनईटी के लिए बेस्ट है वो यही है कि आप टेक्स्ट बुक्स को पढ़ो और यू शुड नो ईच एंड एवरी फार्मूला। उसको एक चीट शीट बना ली जाए कि फार्मूलाज को सारा लिख लिया जाए, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि आपको उनकी समझ भी हो, उनके बैकग्राउंड की। उसके अलावा बेसिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरे से गलती हुई थी NET 1 में ना, कि मैंने कोशिश की थी यार हाई टेक किस्म का टेस्ट आएगा, कंसेप्चुअल किस्म का टेस्ट आएगा, तो बेसिक्स को छोड़ो इनको करो। लेकिन जब मैं उधर गया तो वो कंसेप्चुअल भी, ज़ाहिर बात है NET 1 तो कभी कभार आमतौर पर मुश्किल ही लगता है हर किसी को, तो NET 1 कंसेप्चुअल भी नहीं थे आते मुझे कोई खास, और जो बेसिक्स थे वो कंसेप्चुअल के पीछे मैं छोड़ चुका था, तो बेसिक्स भी भूले हुए थे NET 1 में। तो मेरे से जो गलती हुई थी ये थी कि बेसिक्स नहीं छोड़ने चाहिए कभी भी। तो आप इसको एक कंडीशन में डालते हैं, लेट्स सपोज आपका NUST का एडमिशन कैंसिल हो गया और एक हफ्ते बाद आपका NET है दोबारा, क्योंकि लास्ट ईयर NET में धांधली साबित हो गई, तो आप कैसे तैयारी करेंगे एक हफ्ते में? एक हफ्ते में तैयारी वही जो मैंने ऑलरेडी बताया ना, कि मैं बेसिक्स पे भी ध्यान रखूंगा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो इसी तरह होता है ना कि आप बुक को रीड कर लेते हैं, साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं तो वो दिमाग में बैठती जाती हैं चीज़ें। उसके बाद जो मैथ्स फिजिक्स है उनके फॉर्मूले को अच्छा तरह याद रखा जाए, क्योंकि अक्सर फॉर्मूले वो MCQs होते हैं उनमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई होकर वो आंसर निकल आता है, लेकिन वो एट दैट मोमेंट आपको आंसर भी वो फार्मूला भी भूल सकता है। ठीक है, आपको मेरिट छोटी छोटी चीजों को करते जाएं तो ऑन द होल टेस्ट अच्छा हो जाता है। मेरा मेरिट पोजीशन कितना था? 330। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ऑब्वियसली आपका हो गया होगा। जी। ठीक है, आपको क्या लगता है केमिस्ट्री और इंग्लिश की तैयारी पे टाइम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हाँ, जो इंग्लिश है उस पे ये कि अगर आपकी शुरू से इंग्लिश अच्छी है, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन वाचिंग लॉट ऑफ मूवीज और इस तरह की चीज़ें, तो फिर तो इतना मसला नहीं होगा इंग्लिश का आपको, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ लेना चाहिए उसका भी। और जो केमिस्ट्री है उसमें जो मुझे लगता है ना अक्सर लोग गलती करते हैं वो यही करते हैं कि ईजी MCQs आएंगे, 30 नंबर होंगे, ईजीली मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उसमें अगर अच्छी तरह पढ़ के जाया जाए तो ही मार्क्स आते हैं। नो डाउट वो MCQs ईजी इन्फॉर्मेशन वगैरह ही आती है, लेकिन उसके लिए अच्छा पढ़ के जाना चाहिए, और अगर उसके लिए पढ़ लिया जाए अच्छा तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बन जाता है उसकी वजह से। तो एक साल बाद अपने डिसीजन पे कायम रहते हैं या रिग्रेट होता है कि सॉफ्टवेयर के लिए NUST में क्यों आ गए? नहीं, नो रिग्रेट्स एट ऑल। ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर कैसे गए हैं? फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो मेरा काइंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड ही था, कभी ऊपर कभी नीचे, शुरू में नीचे दरमियान में ऊपर। मजे की बात बताता हूं आपको, मजे की बात ये बताता हूं कि जिनका फर्स्ट 2 सेमेस्टर जो है रोलर कोस्टर की राइड होते हैं, उनके बाद के सेमेस्टर काफ़ी स्मूथ चले जाते हैं, और कुछ जिनके फर्स्ट 2 सेमेस्टर में GPA आ जाता है, फिर उनका GPA कभी नहीं उठ सकता, फिर उनका GPA नीचे जाता है। सही। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के ऑनलाइन पेपर्स हुए, कैसा गुजरा? हाँ ऑनलाइन हुआ सेक्शन के तो। सो अब आप लास्ट में ये बताएं कि अगर बच्चों ने आपसे कांटेक्ट करना है तो आपको कैसे करें? हाँ मैं अपना ईमेल भी दे देता हूँ आपको और फ़ोन नंबर वगैरह भी, और ऑलरेडी वो व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही आपका जिसमें मैं हूँ एज एन एडमिन, तो ठीक है। और एंड पे बस बच्चों को ये तसल्ली दे दें कि आप उनकी रैगिंग नहीं करेंगे। हाँ नहीं नहीं, आई एम अगेंस्ट रैगिंग। मेरी तो खुद भी हुई थी थोड़ी बहुत, जहरी बात है कौन बचता है, लेकिन आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। ठीक है, जो भी आएगा नहीं फिल्म और रहेगा। ये जाल तो नहीं बिछा रहे आप कि फर्स्ट टाइम बच्चे आपके पास आ जाएं खुद ही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आने दें जिसको भी आएंगे, फिर एट द मोमेंट भी देख लेंगे, लेकिन नहीं कुछ नहीं होगा। इनके इस जुमले पे गौर कीजिएगा जो इन्होंने बोला है कि एट द मोमेंट देख लेंगे। सो और अगर कुछ बताना चाहें बच्चों को लास्ट टिप? और लास्ट स्टेप यही है कि अगर जिन्होंने एनईटी दे दिया उनका तो चलो गया, लेकिन जिनका रहता है अभी या किसी और यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अप्लाई किया, टेस्ट वगैरह देना है अभी, तो दे शुड वर्क हार्ड एज मच एज दे कैन। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये कि गैप ईयर में कोई मुमानियत नहीं है। गैप ईयर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गैप ईयर के बाद भी स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे साथ ही पढ़े होते हैं, तो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करता इतना। ठीक है, नहीं नहीं। सो थैंक यू आमिर हमजा। इनको मैंने अराउंड 7 to 8 मंथ से मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि मैंने आपके इंटरव्यूज लेने, मगर बीच में पेपर्स आ जाते थे, लॉकडाउन था, तो इस वजह से मैं नहीं ले सका। चलें आज जो है वो इन्होंने अपने शेयर कर दिए हैं व्यूज। मैंने ये कोशिश किया कि वो टिपिकल क्वेश्चन से हटकर कोई क्वेश्चन पूछूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। कुछ लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर नेस्ट की कैसी है, और एक स्टूडेंट ने अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू हमजा। हाँ थैंक यू अली भाई फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। मेरे जहन में क्वेश्चन आया था, भूल गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा हाँ,